भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज आयुर्वेद जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसके षोडश अंगों के विषय में हम बात करेंगे। किस प्रकार से अष्टांग का जो विभाजन है वो काल क्रम अनुसार षोडश अंगों में हुआ और किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं षोडश अंग हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए, आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। आयुर्वेद जो विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेकों चिकित्सकीय पद्धतियों का वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग अध्ययन व शोध आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में बृहद स्तर पर किया जाता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय इन दो भागों में विभाजित था, जो अध्ययन एवं अध्यापन के विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया। काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, भूत विद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्य गुण, भैषज कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र। आयुर्वेद के इन 16 अंगों के वर्णन के क्रम में आज और कुछ अंगों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रसायन की। शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं। ये धातुएं एक निश्चित परिमाण में रहती हुई शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। शरीर की ऊर्जा और बल इन्हीं पर निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में ये धातुएं जितनी पुष्ट और श्रेष्ठ होती हैं, वह उतना ही अधिक स्वस्थ और बलवान होता है। युवावस्था तक ये धातुएं पुष्ट रहती हैं, पर इसके बाद ये जीर्णता को प्राप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बुढ़ापा आने लगता है। रसायन के सेवन से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, व्यक्ति अधिक स्वस्थ और बलवान रहता है। रसायन के सेवन से दीर्घायु, स्मृति, बुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, युवावस्था की प्राप्ति होने के साथ साथ शरीर की कांति बढ़ती है। वर्ण एवं स्वर में श्रेष्ठता आती है तथा शरीर एवं इंद्रियों में बल की वृद्धि होती है। वाजीकरण, शरीर का 7वां धातु शुक्र है, जो बल का प्रतीक तो है ही साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक है। जिन औषधियों के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, शुक्र संबंधी विकृतियां दूर होती हैं और संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य बढ़ता है, इस अंग को वाजीकरण कहते हैं। मौलिक सिद्धांत, आयुर्वेद शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत आदि। यह सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बनी है। यह प्राचीन भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है जिसे आयुर्वेद ने अपनाया है। इसका शरीर में व्यावहारिक स्वरूप वात, पित्त एवं कफ इन 3 दोषों के माध्यम से होता है। इन दोषों की साम्य अवस्था स्वास्थ्य का परिचायक है और उनकी विषम अवस्था रोग का लक्षण। शरीर, मानव शरीर 6 अंगों वाला है, सिर, मध्य शरीर, दोनों हाथ एवं दोनों पैर। यह शरीर हड्डियों के ढांचे पर अवस्थित है। उनके ऊपर मांसपेशियां, कंडराएं, सिरा, धमनी आदि प्रत्यंग है और अंततः त्वचा बाह्य भाग के रूप में होती है। मध्य शरीर को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ऊपरी भाग को उरोभाग या छाती तथा निचले भाग को उदर अथवा पेट के नाम से जाना जाता है। उरोभाग में हृदय और फुफ्फुस और उदर भाग में आमाशय, आंत्र, यकृत, प्लीहा, वृक्क एवं अग्नाशय आदि अंग होते हैं। शिरोभाग में मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क एवं सुषुम्ना अवस्थित है। इस प्रकार शरीर के अंगों का वर्णन जहाँ आता है उसे आधुनिक आयुर्विज्ञान शरीर रचना कहते हैं। जीवंत शरीर की क्रियाएं इन अंगों द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाचन संस्थान, रक्त संवहन संस्थान, नाड़ी संस्थान एवं मूत्र वहन संस्थान आदि के माध्यम से शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं। इसे आधुनिक विज्ञान शरीर क्रिया के अंतर्गत वर्णित करता है। द्रव्य गुण, द्रव्य चिकित्सा के मुख्य आधार हैं। इन्हें मुख्य रूप से आहार द्रव्य और औषध द्रव्य इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आहार द्रव्य के अंतर्गत गेहूं, चना, चावल, दालें, शाक सब्जियां एवं फल आदि का समावेश होता है। इनका आहार के रूप में प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। औषध द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वानस्पतिक, खनिज एवं जांतव। सभी मानवोपयोगी आहार एवं औषधि द्रव्यों का मुख्य गुण रस, वीर्य, विपाक, कर्म एवं प्रभाव जिस शास्त्र में वर्णित हो
उसे आयुर्वेद में द्रव्य गुण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद में वर्णित ये सभी अंग वैज्ञानिक एवं विभिन्न स्तरों पर जीवन के सुचारू संचालन हेतु हमेशा से उपयोगी सिद्ध हुए हैं और इन सिद्धांतों के अनुपालन से हमारा शरीर मन और आत्मा व्याधियों से मुक्त होते हैं और शक्ति और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़।